हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आज हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है ए टफ क्वेश्चन, एक कठिन प्रश्न। ठीक है, टफ होता है कठिन और क्वेश्चन होता है प्रश्न, ये सवाल, एक कठिन सवाल। आज की इस स्टोरी में जो वर्ड आए हैं उनका वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ लिखता चलूँगा, साथ ही कुछ फ्रेज आए हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको साथ ही इसमें डिटेल से डिस्कस करता चलूँगा, और जो प्रीपोजिशन होंगी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी किताब इंग्लिश की पढ़ते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो रोजाना मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो यहाँ शुरू करते हैं, स्टार्ट करना, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस, वंस होता है एक बार, वंस एक बार ए प्राउड स्कॉलर, प्राउड होता है घमंडी, ठीक है, जिसको घमंड हो, स्कॉलर विद्वान। एक घमंडी या गर्वित, एक घमंडी विद्वान विजिटेड एम्परर अकबर्स किंगडम, विजिटेड आया, ठीक है, आया एम्परर बादशाह अकबर के किंगडम साम्राज्य में, बादशाह अकबर के साम्राज्य में, ठीक है। अपोस्ट्रोपी लगा है, के का अर्थ बताता है, ठीक है, हमने पहले भी बताया था और पुरानी जितनी वीडियो उसमें हर एक वीडियो में आ ही जाता है। एक बार समझ लेते हैं इस सेंटेंस को। वंस ए प्राउड स्कॉलर, एक बार ए प्राउड स्कॉलर एक घमंडी विद्वान विजिटेड आया एम्परर अकबर्स किंगडम, बादशाह अकबर के साम्राज्य में आया। ही होप्ड, उसे होप्ड उम्मीद थी, उसे उम्मीद थी टू प्रूव हिमसेल्फ, खुद को साबित करने की, ठीक है, प्रूव होता है साबित करना, इन्फिनेटिव टू आया है। ही होप्ड टू प्रूव हिमसेल्फ, उसे उम्मीद थी खुद को साबित करने की, एंड और गेन सम रिवार्ड, और पाने की कुछ पुरस्कार, कुछ पुरस्कार, ठीक है। एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं। ही होप्ड टू प्रूव हिमसेल्फ, उसे उम्मीद थी प्रूव साबित करने की खुद को, ठीक है, एंड गेन सम रिवार्ड, और कुछ पुरस्कार पाने की। ही सैड, उसने कहा, उसने कहा आई हैव गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज, मैंने, ठीक है, हैव आया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है हैव के बाद, मैंने गेन प्राप्त की है, प्राप्त की है ए लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज होता है ज्ञान। एक बार समझ लेते हैं इसे। ही सेड, उसने कहा आई हैव गेन्ड ए लॉट ऑफ नॉलेज, मैंने प्राप्त की है या मैंने प्राप्त किया है ए लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान। हैव आया है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, अगर हैव आया है तो ये किस में गया है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में। आई नो मोर देन एनी वन प्रेजेंट हियर, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मोर अधिक, मैं जानता हूँ अधिक देन एनी वन प्रेजेंट हियर, जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद हैं उनसे अधिक, ठीक है। एक बार इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। आई नो मोर देन एनी वन प्रेजेंट हियर, आई नो मोर देन, मैं अधिक जानता हूँ देन एनी वन, किसी भी व्यक्ति से अधिक, प्रेजेंट हियर, जो यहाँ उपस्थित हैं या जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे अधिक जानता हूँ। यू कैन आस्क मी एनी थिंग यू वांट, यू कैन आस्क मी, आप, आस्क कैन आया है सकता, आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मी मुझसे, मुझसे
एनी थिंग यू वांट, जो आप चाहें, जो आप चाहें वो आप पूछ सकते हैं। आई विल आस्क सम क्वेश्चन इन रिटर्न, आई विल आस्क मैं पूछूंगा सम क्वेश्चन कुछ सवाल इन रिटर्न बदले में। मैं विल आस्क पूछूंगा सम क्वेश्चन कुछ सवाल, ठीक है, इन रिटर्न बदले में। ओके, एक बार देख लेते हैं। आई विल आस्क ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल है घटना, क्या है पूछूंगा, मतलब घटना भविष्य में होगी। आई विल आस्क मैं पूछूंगा सम क्वेश्चन कुछ सवाल इन रिटर्न बदले में। इज देयर एनीवन, क्या कोई व्यक्ति है, ठीक है, इज देयर एनीवन, क्या कोई व्यक्ति है हु कैन फेस माई चैलेंज, हु जो कैन फेस सामना कर सकता है, ठीक है, माई चैलेंज मेरी चुनौती का। ओके, इज देयर एनीवन, क्या कोई व्यक्ति है हु कैन फेस माई चैलेंज, जो मेरी चुनौती का सामना कर सकता है। अकबर थॉट फॉर ए व्हाइल, ठीक है, अकबर ने, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है थिंक की, thinke, थिंक होता है सोचना, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और थॉट होता है सोचा। अकबर ने सोचा फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर, फॉर ए व्हाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, ठीक है। बीरबल वाज नॉट इन कोर्ट एट द टाइम, बीरबल वाज नॉट, बीरबल नहीं था इन कोर्ट, बीरबल नहीं था इन कोर्ट, दरबार में, ठीक है, एट द टाइम उस समय, ठीक है। वाज आया है, ओके, वाज आया है तो ये क्या है सिंपल पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, ठीक है, और सिंपल पास्ट में इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। बीरबल वाज नॉट इन कोर्ट, बीरबल दरबार में नहीं था एट द टाइम उस समय, सो ही इमीडिएटली सेंट ए मैसेंजर, सो इसलिए ही इमीडिएटली उसने तुरंत, इमीडिएटली तुरंत सेंट भेजा ए मैसेंजर, मैसेंजर एक संदेश वाहक, ठीक है, मैसेंजर होता है संदेश वाहक जो संदेश लेकर जाते हैं, सो इसलिए ही इमीडिएटली उसने तुरंत, इमीडिएटली होता है तुरंत, सेंट ए मैसेंजर एक संदेश वाहक को भेजा टू समन हिम टू कोर्ट, समन बुलाने के लिए, बुलाने को उसे टू कोर्ट दरबार में, ठीक है, दरबार में मतलब बीरबल को बुलाने के लिए भेजा दरबार में। एज सून एज, ज्यों ही एज सून एज, ज्यों ही बीरबल आया, अकबर टोल्ड बताया, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या रहती है टेल, ये प्रेजेंट में यूज करेंगे। अकबर टोल्ड हिम, अकबर ने उसे बताया अबाउट द स्कॉलर, अबाउट बारे में, द स्कॉलर विद्वान, अबाउट द स्कॉलर विद्वान के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बताया विद्वान के, एक बार समझ लेते हैं। एज सून एज बीरबल अराइव्ड, जैसे ही बीरबल आया, अकबर टोल्ड हिम, अकबर ने उसे बताया अबाउट द स्कॉलर विद्वान के बारे में। बीरबल एग्रीड टू टेक अप द चैलेंज, बीरबल सहमत हो गया, ठीक है, टेक अप
लेने के लिए ठीक है, द चैलेंज चुनौती को, ओके। बीरबल एग्रीड, बीरबल सहमत हो गया टू टेक अप लेने के लिए द चैलेंज चुनौती को। द स्कॉलर सैड, विद्वान ने कहा, क्या कहा, शुड आई आस्क ए टफ क्वेश्चन, शुड क्या आई आस्क मुझे पूछना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्यों लगा दिया है, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। शुड आई आस्क ए, क्या मुझे पूछना चाहिए ए टफ क्वेश्चन, एक कठिन सवाल, और ए 100 इजी क्वेश्चन, और का मतलब होता है या 100 आसान सवाल, आसान सवाल, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, द स्कॉलर सेड, स्कॉलर विद्वान, उस विद्वान ने कहा, ठीक है, कोई डेफिनेट नाउन को दर्शाने के लिए कि हाँ जिसकी बात ऊपर चल रही है उसी की हम बात कर रहे हैं तो हम दा लगाते हैं और इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं दा, ठीक है। द स्कॉलर सेड, उस विद्वान ने कहा, शुड आई आस्क ए टफ क्वेश्चन, क्या मुझे पूछना चाहिए एक कठिन सवाल, और ए 100 इजी क्वेश्चन, या 100 आसान सवाल पूछने चाहिए, ऐसा उसने कहा। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, वन टफ क्वेश्चन प्लीज, एक कठिन सवाल कृपया, एक कठिन सवाल कृपया, ठीक है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, वन टफ क्वेश्चन प्लीज, एक कठिन सवाल कृपया, मतलब एक कठिन सवाल पूछ लो, ऐसा बीरबल ने उनको जवाब दिया। द स्कॉलर आस्क्ड, विद्वान ने पूछा, ठीक है, आस्क्ड पूछा या कहा, व्हाट कम फर्स्ट, व्हाट माने क्या, केम आया, फर्स्ट पहले, व्हाट केम फर्स्ट, क्या पहले आया, ठीक है। द स्कॉलर आस्क्ड, विद्वान ने पूछा, व्हाट केम फर्स्ट, क्या पहले आया, द एग और द हैन, अंडा या मुर्गी, ठीक है, क्या पूछा, अंडा पहले आया या मुर्गी, द हैन, मुर्गी, ठीक है। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने जो उत्तर दिया वो क्या दिया, द हैन, बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, ठीक है, ओ हाउ डिड यू नो दैट, ओ ओहो मतलब आश्चर्य का भाव दर्शा रहा है, ओहो हाउ डिड यू नो दैट, डिड आया है और यहाँ सब्जेक्ट आया है और उसके बाद हमारी वर्ब आई है, डिड के साथ हमेशा बी बन यूज होती है, जितनी भी हमारी मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और प्रेजेंट फॉर्म में यूज होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ओहो हाउ डिड यू नो दैट, ओ हाउ कैसे, ठीक है, डिड यू नो दैट, आपने यह है जाना, जानने की क्या है, नो, ठीक है, दैट यह है, हाउ डिड यू नो दैट, आपने कैसे जाना, द स्कॉलर आस्क्ड, उस विद्वान ने पूछा, सरप्राइज्ड आश्चर्य के साथ, ठीक है, आश्चर्य से पूछा, यू सैड, आपने कहा, वन क्वेश्चन, एक प्रश्न या सवाल, आपने कहा एक प्रश्न या सवाल, व्हाई आर यू आस्किंग अनदर वन, व्हाई क्यों आप
आर आया है, आर के साथ आई एन जी फॉर्म आई है, ठीक है, आर आया है इससे पता चल रहा है प्रेजेंट का सेंटेंस है, आई एन जी आई है तो इसका मतलब कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। व्हाई आर यू आस्किंग, आप क्यों आस्क पूछ रहे हैं, एनोदर वन दूसरा सवाल, ठीक है, वन जो यूज हुआ है इस क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, इस क्वेश्चन का रिपीटेशन ना हो उसको रोकने के लिए। व्हाई आर यू आस्किंग एनोदर वन, आप दूसरा क्यों पूछ रहे हैं, आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, लुकिंग इक्वली सरप्राइज्ड, उतने ही भाव से आश्चर्यचकित होकर, ठीक है, उतने ही भाव से आश्चर्यचकित होकर। एक बार पूरा सेंटेंस समझ लेते हैं। व्हाई आर यू आस्किंग, आप क्यों पूछ रहे हैं, एनोदर वन दूसरा सवाल, आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, लुकिंग इक्वली सरप्राइज्ड, उतने ही भाव से आश्चर्य के साथ देखते हुए बीरबल ने पूछा, द स्कॉलर रियलाइज्ड, उस विद्वान को रियलाइज्ड एहसास हुआ, उस विद्वान को एहसास हुआ, ही वाज आउटविटेड, वह आउटविटेड मतलब मात खा गया, वह मात खा गया या हार गया, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। आउटविटेड होता है मात खाना बुद्धि से, एंड एक्सेप्टेड डिफीट, और स्वीकार की हार, ठीक है, और हार स्वीकार कर ली, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, द स्कॉलर रियलाइज्ड, उस विद्वान को एहसास हुआ, ही वाज आउटविटेड, वह हार गया, एंड एक्सेप्टेड डिफीट, और हार को स्वीकार कर लिया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और रोजाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।